ये हम लोग बात कर रहे थे मुंबई में इसका रेट कुछ 2600 और यहाँ 1400 जो दारू नहीं पीते ये वीडियो उनके लिए है ही नहीं। और अगर आपको इससे प्रॉब्लम है तो आप वीडियो देखो ही मत। जो दारू पीते हैं जिनको गोवा का दारू सस्ता कहाँ पे मिलता है वो जानकारी देने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपको उकसा नहीं सकता कि आप दारू पियो। आप रेट भी बता देंगे 100 रुपीज़ ये उनके लिए था जिनको अल्कोहल का इन्फॉर्मेशन चाहिए था। मैं खुद दारू नहीं पीता हूँ। अच्छा जो मुंबई में मतलब कोई भी मेगा सिटी 25,000 अवेलेबल करे नहीं तो उधर तुम्हारा उधर 38,000 है। वेलकम टू गोवा, वेलकम सिंगम। मैं एक मिनट थोड़ा सा मास्क नीचे रहता हूँ ताकि आपको मेरा आवाज़ आए और ये ज़रूरी वीडियो है। तो देखिए यही सर थे जिन्होंने आपको वेज आइटम बताए, स्पाइसेस बताए, मसाले बताए। अभी यही सर है जो आपको नॉनवेज नहीं और डिस्क्रिप्शन में बता रहा हूँ कि जो दारू नहीं पीते ये वीडियो उनके लिए है ही नहीं। और अगर आपको इससे प्रॉब्लम है तो आप वीडियो देखो ही मत। जो दारू पीते हैं जिनको गोवा का दारू सस्ता कहाँ पर मिलता है वो जानकारी देने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपको उकसा नहीं सकता कि आप दारू पियो, बट सस्ता दारू कहाँ पे मिलता है, अच्छा दारू कहाँ पे मिलता है, क्वालिटी दारू कहाँ पे मिलता है, ब्रांडेड और लीगल दारू कहाँ पे मिलता है, ये बताने के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। सर तो इट्स योर टाइम, कहाँ से शुरू करेंगे? ये फैनी है, ये गोवा का कोकोनट फैनी है। थोड़ा नीचे लीजिए। हाँ हाँ, ये गोवा का कोकोनट फैनी है, इधर ही मिलेगा गोवा में। उसका रेट है 100 रुपीज़। ये गोवा का स्पेशल, गोवा का स्पेशल है। ये गोवा का रम है, तो ये इधर मिलेगा। आप रेट भी बता देंगे? ये 100 रुपीज़ का है। ये रेट चेंज हो सकते हैं लेकिन फिर भी आप एवरेज पकड़ के चलो। ये 100 रुपीज़ का है। ये जो वाइन है ये भी 100 रुपीज़ का है। 100 रुपीज़ का वाइन है। ये गोवा का काजू फैनी है, ये 100 रुपीज़ जो फेमस है, फेमस है गोवा का, ये मिनिमम 100 रुपीज़ का अधिकार है। मेरे पास अपने वराइटीज भी है। ये थोड़ा सा अलग लग रहा है, ये क्या है? ये कोकोनट फैनी है। ओके, ये भी गोवा का कोकोनट फैनी है। 350 चल रही है। व्हाई इट इज 350? बिकॉज़ इट इज अ क्वालिटी वाइज, क्वालिटी क्वालिटी गुड क्वालिटी। ओके, ब्लैक एंड व्हाइट है ये इधर इसका। ये हम लोग बात कर रहे थे मुंबई में इसका रेट कुछ 2600 और यहां पे 1400 इधर है। 1400 तो देखिए 1100 रुपये टिकट का खर्चा है, बाकी आप अंदर आके पीके जाओ। अभी ये काजू फैनी है, ये उससे अच्छा है काजू फैनी। ओके, इसका रेट 380 है लेकिन हम होलसेल में 100 रुपीज़ कम करके देता है। बाकी में ये कोकोनट फैनी है। ओके, अच्छा क्वालिटी का है, ये भी 350 का है, हम 250 में देते हैं। बाकी में इधर का लोकल विस्कीज़ है, सारे बहुत सारे लोकल विस्कीज़ है मेरे, लेकिन एक ही दिखा रहे हैं। ये 500 का है, मैं 400 में देगा। ये भी लोकल विस्की है, इधर का स्कॉच 550 का है, 450 में आएगा। और बाद में वो सारा इम्पोर्टेड से है। तो देखिए मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो अल्कोहल या दारू लवर है जो ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, तो आपको जो हब चाहिए ना, जैसे नॉनवेज लवर को ऐसा जगह चाहिए जहाँ पे चिकन ज़्यादा मिलता हो, जो वेजिटेरियन है उनको ऐसा जगह चाहिए जहाँ पे थाली ज़्यादा मिलता हो, वेराइटी ऑफ फूड मिले, तो वेराइटी ऑफ अलग अलग तरह का अल्कोहल आपको यहाँ पे मिलेगा। और सर के पास डिस्काउंट भी मिलेगा क्योंकि कैसे आप जाएंगे उनसे बार्गेनिंग करेंगे, मजा नहीं आएगा। 20% डिस्काउंट है लेकिन आपको, आप हमारे सब्सक्राइबर हो, कस्टमर हो, और आप अगेन ये वीडियो में सर दिख रहे हैं, आपको खाली स्क्रीनशॉट निकल के सबको दिखाने की, सर हमारा ही एक प्रतिनिधि, एक आदमी आया था मुंबई से और वीडियो बना के गया था, तो सर खुशी खुशी डिस्काउंट दे देंगे, थैली फ्री देंगे, एड्रेस बता देंगे। और क्या चाहिए आपको? चाहिए तो यार पापड़ वगैरह भी लेके जाओ डिस्काउंट रेट से। डिस्काउंट रेट सबसे महंगा आपने कुछ बोला था, वो सिंगल मॉल्ट विस्की है सर। अच्छा, जो मुंबई में मतलब कोई भी मेगा सिटी 25,000 ब्लू लेवल का रेट है तो उधर तुम्हारा उधर 38,000 है। मतलब 25 महीने का सैलरी जाने वाला है, इतना महंगा भी यहाँ पे दारू है। विश्वास है, सब है मेरे पास, तो सब मिलने वाला है। वेरायटी 2.5 लीटर में चाहिए, 4.5 लीटर, 5 लीटर में आएगा। ओके ओके, तो मतलब जो पार्टी लवर है, जो बड़े ग्रुप में आने वाले, उनके लिए भी आपने बहुत अच्छा सब
सुविधा करके रखा है और इनका दो दो तीन तीन दुकान है, तो ऐसा नहीं है फ्रॉड है या आज है तो कल निकल जाएंगे, ये लीगल मार्केट में हम लोग खड़े हैं, फ्लावर मार्केट में उनका रजिस्ट्रेशन नंबर है और वो लीगल टैक्स पे करते हैं, आपको दिखाना बस बार बार से। हाँ चलो सर, तो थैंक यू, उन्होंने टाइम दिया हुआ है, उनके पास ये कस्टमर है, तो यही अगेन ये वीडियो उनके लिए था जिनको अल्कोहल का इन्फॉर्मेशन चाहिए था। मैं खुद दारू नहीं पीता हूँ, आपको पता होगा, नहीं होगा तो भी ठीक है यार, नहीं पीता हूँ क्या करूँ, लेकिन वीडियो बनाना था, आपको इन्फॉर्मेशन देना था कि अगर बजट ट्रैवल करो तो ऐसा नहीं कि सिर्फ फूड के बारे में बताओ, टूर के बारे में बताओ, गोवा इज स्पेशल नोन फॉर इट्स फूड, इट्स कल्चर, इट्स अल्कोहल ऑल्सो एंड इट्स बीचेस ऑल्सो, बाकी सब तो मैंने बता दिया, ये बाकी था, बहुत बार गोवा था लेकिन करने का हिम्मत नहीं हो रहा था, अभी कर दिया, अच्छा लगा लाइट ने तो बिंदा दिस रहे। चलो बाय।